तो अभी गाइस मैं जा रहा हूँ छतरपुर मंदिर आज घूमने के लिए, तो चलते हैं। अभी मेरा फ्रेंड आया हुआ बाहर, तो उसके साथ में जा रहा हूँ मैं भी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, आज है संडे और आज के दिन है यानी कि सेकेंड नवरात्र है आज। और अभी मैं नहा धो के एकदम फ्रेश होकर तैयार हूँ, देन अभी मुझे पूजा करनी है। देखो नीचे मैंने घट स्थापना कर रखी है, जो कि कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। अभी मेरे को पूजा करनी है और पूजा करने के बाद फिर देखते हैं। आज घर का भी बहुत सारा काम करना है, क्योंकि आज ये जो है ये आज मुझे निकालना है यहाँ से, क्योंकि ये निकालना है यहाँ से, क्योंकि इसकी वजह से क्या है, एग्जॉस्ट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। अब गर्मी पूरी आ गई है, पूरी आ गई मतलब अब हो ही रही बहुत ज़्यादा गर्मी। मुझे उस वजह से और भी कुछ काम करना है रूम का, तो आज संडे है तो काम थोड़ा हल्का फुल्का जो मेरे हाथ का है वो मैं कर लूँगा, देन फिर शाम के टाइम देखते हैं। कल रेखा दी बहुत फोर्स कर रही थी, बहुत दिनों से यहाँ आया नहीं है। अगर वहाँ जाने का होगा तो फिर शाम के टाइम वहाँ चलेंगे। तो गाइस अभी करता हूँ मैं पूजा। तो अभी गाइस पूजा तो कर ली है और अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अभी गाइस ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे और अचार। तो अभी गाइस आज ये निकालना है मेरे को, अभी निकालता हूँ मैं इसको। यहाँ का भी निकालना है, यहाँ का भी निकालना है, क्योंकि उस टाइम पर सर्दियों के दिनों लगाया था, क्योंकि बहुत ठंडी हवाएँ आ रही थी। अभी हो रही है गर्मी, इसके अंदर से भी हवा चाहिए, तो पापा कह रहे कि इसको निकालो, तो आज मैं इसको निकाल रहा हूँ। अभी पहले निकलेगा ये यहाँ से, अभी प्लास दे दो। तो अभी गैस निकालते, देखो कितना खुला खुला लग रहा है। अब यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आएगी, जो कि गर्मियों के दिनों में बहुत। अब जो गैस मैंने मंदिर में भी लड़ियाँ लगा दी हैं, अभी चमक रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर। अभी कुछ गेंदे के फूल लेके आने, और ये दो माला तो मैंने चढ़ा दिए। अभी कुछ और चाहिए यहाँ पे ऐसे डेकोरेशन करने के लिए, वो बहुत अच्छा लगता है साइड में और यहाँ पे ना। चलो पापा भैया, हाँ आता हूँ अभी। तो अभी गाइस वो मुझे ढूंढते हुए आ रहा है इसी गली में, क्योंकि उसने मेरा रूम तो देखा नहीं, फर्स्ट टाइम ही आ रहा है वो। मैंने कहा तो आता रहा आगे, मैं तेरे को बीच में मिल जाऊँगा। तो अभी देखता हूँ कहाँ पर है वो। तो अभी गाइस ये मिल गया मेरे को फाइनली, अभी चलते हैं हम। तो अभी गाइस निकल गए हम लोग यहाँ से सीधा मंदिर के लिए छतरपुर, वहाँ देखते हैं। पहले मैं कभी गया नहीं वहाँ पे, एक बार ही बहुत पहले गया था, आज जाके देखता हूँ कैसा है क्या है। तो अभी गाइस फाइनली निकल रहे हैं हम यहाँ पर, बहुत भी है बट फिर भी किसने कहा कि मंदिर चलते हैं, मैंने कहा चलो। तो गाइस चल रहे अभी माता रानी के दर्शन करने। फर्स्ट टाइम ही मैं किसी फ्रेंड के साथ ऐसे घूमने के लिए आ रहा हूँ, वरना मैं कभी नहीं चाहता किसी के साथ ही, अपना पर्सनल भी चाहता हूँ सिंगल, बट आज इसके साथ में आ रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। इसने भी बोला कि माता रानी के दर्शन करने चलते हैं, मैंने कहा तुम चल। तो अभी आया नगर पहुँच गए हम लोग, अभी इससे बहुत आगे है। हम लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे हैं, वो कह रहा कि आगे जाके हमको कुछ प्रॉब्लम ना हो, पता लगा टंकी खाली हो गई, तो पहले टंकी फुल कर लेते हैं, देन उसके बाद पे चलेंगे हम लोग। तो गाइस ये है पेट्रोल पंप पे, ये पेट्रोल भरते हैं, ये कह रहे हैं कि भैया मुझे भी लेना है आपके साथ में। नाम क्या भैया आपका? प्रीतम सिंह नाम है इनका। तो कह रहे हैं आप क्या करते हो? मैंने कहा पर्सनल ब्लॉग बनाता हूँ अपने, तो लोगों के साथ अपनी लाइफ शेयर करता हूँ, ठीक है। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, प्रकाश सब लोग से, ठीक है। तो अभी गाइस फाइनली निकल के हम लोग यहाँ से चल करके चल रहे हैं अभी।
अभी गाइस यहाँ पहुँच गए हम लोग, अभी जा रहे सीधा अंदर मंदिर में, वहाँ फिर दर्शन करेंगे माता रानी के, देन फिर यहाँ से फिर जाने की तैयारी, क्योंकि धूप भी बहुत है आज, बहुत कड़क धूप हो रही है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ हम जूते खोल के रखते हैं, मतलब और भी लोग यहीं पर रखते हैं जूते, उसके बाद देन फिर अंदर मंदिर में जाते हैं। तो गाइस बहुत क्राउड है यहाँ पे, बहुत यहाँ वहाँ घूमने का एकदम रश काफ़ी है। तो अभी गाइस देखो कितनी लंबी लाइन है, अभी हमको भी इसी लाइन में आना है। तो अभी गाइस देखो बहुत लंबी लाइन है, अभी हमको भी सेम इसी लाइन में आना है, यू टर्न करके हम लोग वहाँ से आएंगे। अभी देखो कितनी लंबी लाइन लगी है, वहाँ से उस पीछे से लेके लाइन है यहाँ तक, अभी भी देखो लाइन चली रही है। अभी भी हम क्यू में नहीं खड़े हुए प्रॉपर, मतलब जब क्यू में खड़े होंगे वहाँ से हमारा नंबर चालू होगा। अभी यही लाइन है, वो उतनी लंबी लाइन है वहाँ से लेके यहाँ तक, अब जाके हम लोग फाइनली लाइन में लगेंगे, मतलब पीछे से काफ़ी लंबी लाइन है। अगर मैं गुम हो गया तो लाइन में खड़ा हूँ, पीछे देखो कितनी लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है पीछे। आगे का दिखाता हूँ, आगे भी सेम लेवल का है, इतने लोग। अभी तो हम इस रो पे चलते हैं, जो ये दोनों साइडों से अभी ये पैक है, यहाँ भी बंद है यहाँ भी बंद है, बट आगे जाके फिर और खुलेगा। तो गाइस रंजीत कह रहा अभी 2 घंटे लग जाएंगे हमको दर्शन करने में, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है पीछे, देखो पहले कितनी लाइन है पीछे, सेम लेवल की लाइन आगे। यानी कि 2 घंटे मान के चलो, 2 घंटे के बाद ही हम लोग फिर यहाँ से निकल पाएंगे। तो गाइस ये एंट्री गेट यहाँ से, तो गाइस फाइनली एंट्री गेट से तो अंदर निकल गए, पर यहाँ से एक लाइन और है, एक दो और है आगे की लाइन, ये बहुत दूर है। ये देखो ये अलग लाइन है अभी, और जो पीछे के रोड बनी है वो अलग ही है, वो भी आ रहे सबसे पीछे में 4 दिन। तो गाइस देखो अभी अलग ही रास्ता है, और जी इधर को जाना है। ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मतलब मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि कितना यहाँ पे आके मेरे को आनंद आएगा। देखो बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोग दर्शन करने के लिए आए, वाली रोड से इधर इधर, अभी नीचे भी लोग दिख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा सामने से कैसे से नीचे को। देखो जो लोग दर्शन करके चले गए वो नीचे में, ये अलग ही है, यहाँ नीचे रोड है, यहाँ से जा रहे हैं हम सब। तो अभी गाइस देखो कितना क्राउड है यहाँ, आधे यहाँ से आ रहे लोग, आधे एक लाइन ये लगी हुई है, सामने दिखाता हूँ आपको जूम करके। ये देखो अभी गाइस ये रहा अंदर का मंदिर, अभी फिर से हम बाहर जा रहे हैं बाहर के मंदिर में। अभी मंदिर में अभी माता रानी के तो दर्शन हुए नहीं, वो ऊपर में। ये देखो कितना रश है, बहुत। अभी हम भी वहीं पर ही थे, वहाँ से आया हम यहाँ को। तो अभी गाइस माता रानी के दर्शन कर लिए, वहाँ बहुत रश था, बट बाहर आते आते हमको एक टोकन भी मिला है, अभी तने क्या है मेरे को तो पता नहीं पड़ रहा था, बोल रहे वो चलता, वो आगे से जा रहा मेरे। यहाँ फिर से क्राउड है, ये देखो कितना क्राउड है यहाँ। तो गाइस ये रही माता रानी के दर्शन, मैं तो खो गया यहाँ पे, मेरा फ्रेंड पता नहीं कहाँ से लगे, उसको ढूंढने का ही नहीं। गाइस देखो कितना क्राउड है यहाँ पे, बहुत एकदम रश, सारे लोग माता रानी के दर्शन करने।
नवरात्र में यहाँ ही